Hare Krishna. On behalf of ISKCON Dwarka and all the assembly devotees, we'd like to welcome His Grace Sundar Gopal Prabhuji. Prabhuji is very, very busy. और श्री प्रभुपाद जी की सेवा में प्रभुजी ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है कि एक्चुअली इट इज अनपैरेलल्ड. बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही हृदय के साथ रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है प्रभुजी का. ISKCON ईस्ट ऑफ कैलाश में प्रभुजी ने इतने ब्रह्मचारी दिए हैं और उनके थ्रू कितने सारे सेंटर्स में देना मैनी ब्रह्मचारीज आर सर्विंग. वो काउंटलेस एंड इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग, द फैमिली इज स्टिल एक्सपैंडिंग. सो कलयुग में विशेष रूप से ब्रह्मचारीज बनाना बहुत ही कठिन है. और साथ ही प्रभु जी आप कॉन्ग्रीगेशन को भी लीड कर रहे हैं, स्पेशली इन गाजियाबाद एंड मैनी अदर प्लेसेस. और प्रभु जी की इम्पेकेबल साधना, इम्पेकेबल सिस्टमैटिक प्रीचिंग जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, उसको देखते हुए नाउ देयर आर मेनी वैष्णवास आर रिक्वेस्टिंग प्रभु जी फॉर इवन संन्यास. कि आपको दिल्ली में और इंडिया में तो कृपा मिली रही है वहाँ पर आपके थ्रू, बट नाउ इंटरनेशनली ऑल्सो यू शुड डिस्ट्रीब्यूट मर्सी. सो अगर आपको फ्यूचर में पता लगे कि ओके जापान में कई लोग जपा कर रहे हैं, मे बी उसके पीछे नाम हो सुंदर गोपाल प्रभु जी का. सो दैट इज यू नेवर नो इन विच प्लेस नाउ नेक्स्ट रेवोल्यूशन विल हैपन प्रभु जी पोस्ट संन्यास लीला. सो देन यू विल गेट टू हियर मोर अबाउट प्रभु जी मोर activities, more divine activities in terms of preaching. So Prabhuji is very ideal preacher. Aur jo sabse khoobsurat baat jo mujhe lagti hai personally speaking is that despite having so much success, Prabhuji is very grounded. Prabhuji is very humble. To Prabhuji ka jo asli aishwarya hai apart from this aishwarya, preaching aishwarya, is the aishwarya of humility, vinamrata. To Prabhuji ki jis tarah sab ke sath deal karte hain, pata nahi lagta Prabhuji is such an achiever in terms of bhakti, in terms of preaching. सो बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है प्रभु जी. तो ये प्रभु जी का मुझे जो बहुत मेरा फेवरेट ऐश्वर्य है. साथ ही प्रभु जी बहुत ही टॉलरेंट भी हैं डिस्पाइट हैविंग मेनी प्रोवोकिंग सिचुएशंस विच हैव कम इन लाइफ, बिकॉज ऐसा होता है स्पेशली द वन हु इज लीडिंग. पर लेकिन प्रभु जी बहुत सहिष्णु है, प्रभु जी सहन करते हैं और जो सहता है वही रहता है. दैट्स द मंत्र, जो सहता है वही रहता है. तो उसमें प्रभु जी शिरोमणि हैं. दैट मीन्स ना सिर्फ वो रह रहे हैं बल्कि उनकी वजह से कई सारे भक्त भी रह रहे हैं और उनको इंस्पायर भी कर रहे हैं. सो वैसे कहा जाता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग somebody टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. किसी को भक्ति में लाना बहुत कठिन कार्य है. उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है उनको भक्ति में टिकाए रखना, ये और भी कठिन कार्य है. और सबसे अधिक कठिन कार्य है ना सिर्फ टिकाए रखना बल्कि उनको इंस्पायर्ड रखना. दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. और ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी. यूजली ऐसा देखा जाता है जो लोग जीनियस होते हैं वो लोग इनोसेंट नहीं होते, और जो इनोसेंट होते हैं वो जीनियस नहीं होते. लेकिन जब इनोसेंस और जीनियस दोनों साथ मिल जाते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है. और इसका भी सुंदर उदाहरण है इस ग्रेट सुंदर गोपाल प्रभु जी. प्रभु जी इनोसेंट भी हैं एंड इज अ जीनियस एक्चुअली. तो हमने सोचा एक स्पिरिचुअल जीनियस से सुना जाए अबाउट नित्यानंद प्रभु. सो किस तरह से नित्यानंद प्रभु इज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु जो मार्केटिंग मैनेजर, फिर उनके मार्केटिंग मैनेजर कौन है? वन ऑफ द मेरी वेरी वेरी इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजर इज ग्रेट सुंदर गोपाल प्रभु जी. सो दैट वे हमने कहा नित्यानंद प्रभु के फिर ऐसे स्पेशली ब्लेस्ड डिवोटी से नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना जाए. सो रिक्वेस्टेड प्रभु जी एंड प्रभु जी वेरी काइंडली एक्सेप्टेड आवर ऑफर. अदरवाइज टू गेट प्रभु जी लोटस फीट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रभु जी इज ऑलवेज मूविंग अराउंड. प्रभु जी ने पूछा श्री प्रभुपाद आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी एट लोटस फीट. प्रभु दैट्स नॉट पॉसिबल, आई एम ऑलवेज मूविंग. तो सुना प्रभु जी ही इज ऑलवेज मूविंग, बट प्रभु जी वेरी काइंडली एक्सेप्टेड आवर ऑफर. सो वी वेलकम हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक और जो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि जैसे हम किसी सुपरस्टार के साथ अगर कुछ शेयर करते हो तो हमें बहुत गर्व फील होता है. तो मैं प्रभु जी के साथ दीक्षा की डेट शेयर करता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है. हम सुंदर गोपाल के बैच में हमारी भी दीक्षा हुई थी. So because Prabhuji is a superstar in preaching, so that is hamara saubhagya Prabhuji ke saath chipke hue the, hamara bhi naam ho gaya. Oh yes, we were also there with him. So that is, yeah, this is my good fortune to be such a specially blessed soul like Sundar Gopal Prabhuji. Is there Sundar Gopal Prabhuji ki? The world knows, yes, who is a superstar, yes. Sydney Gate Prabhu, बहुत सुंदर गीत सुनाएंगे आप सबको नित्यानंद प्रभु के ऊपर. हरे कृष्णा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री
सिंचाई जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद आज श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु का आयुर्भाव दिवस है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरी पृथ्वी पर फैलाने के लिए विशेष रूप से उनको चैतन्य महाप्रभु ने अपॉइंट किया। तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु की तत्व को समझना कठिन है और समझाना तो और भी कठिन है। तो नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से ही ये संभव है। बहुत ही करुणामय है और जॉली स्वभाव है नित्यानंद प्रभु का, है ना, प्रेम, है ना, प्रेम स्वरूप। उनके प्रत्येक अंग से अद्भुत प्रेम, अद्भुत करुणा प्रकट होता है। नित्यानंद प्रभु को एक बार कोई देख ले, उनके श्री अंग पर उनकी नजर पड़ जाए किसी भी जीव की, तो उसका हृदय प्रेम से भर जाए। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गुणमणि अमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर बन्या भाषाई लोवनी, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के ऊपर आज चर्चा करेंगे। नित्यानंद प्रभु के नाम रूप गुण और लीला तत्व के ऊपर। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री उत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन है, हम सब प्रचार का आंदोलन है, प्रभुपाद जी ने कहा विशेष आंदोलन प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना, सबको प्रचार करना है, इसके लिए सबको प्रचार करके उनको भक्त बनाना, उनको धोती कुर्ता तिलक कंठी माला और बाल उड़ा देना, माता जी का नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, ये बाल उड़ाना है ना, इसी में यही प्रेम का दुश्मन है, कृष्ण प्रेम का दुश्मन ये बाल है, है? तो प्रचार का मतलब ये है, पर ये भी, ये तो बाहरी मतलब है प्रचार का, है ना, प्रचार का अर्थ क्या है, प्रचार का अर्थ है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसको हमको क्या करना है, एडवर्टाइज करना है ना, प्रोडक्ट, है ना, हर कंपनी क्या करती है, अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रचार करती है, है ना, तो हमारा प्रचार हमको भी करना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है ना, हम लोग सेल्समैन हैं, क्या है, सेल्समैन, तो सेल्समैन से कोई पूछ देगी क्या बेच रहे हैं आप, तो सेल्समैन क्या बताएगा, आप सब सेल्समैन हैं, कौन बताएंगे सेल्समैन, सुख, क्या सुख है, इसलिए नवदीप धाम महात्म्य यहीं से प्रारंभ होता, सुख लागी, सुख लागी युद्ध करे राजा है, राजा है, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है ना, सुख के लिए, सुख के लिए, जितने प्रयास हैं संसार में किसके लिए, सुख के लिए, कार चल रही है, बाइक चल रही है, सामने देखिए किसके लिए, दौड़ के जा रहे हैं, भाग के किस, क्या प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए, कोई पूछे आप क्या देने वाले हो हमको, ये मत बोलिए हम आपका बाल उड़ाने वाले हैं, कोई नहीं आएगा फिर कोई नहीं आएगा, है ना, आप बोलो मैं आपको धोती कुर्ता पहनाऊंगा तो भी लोग भाग जाएंगे, नहीं नहीं मेरे को नहीं पहनना है कि नहीं, आप बोलो कंठी माला पहनाना है, नहीं नहीं मेरे को नहीं पहनना है, लेकिन एक चीज अगर आप बोलेंगे तो हर व्यक्ति आएगा, क्या, सुख, हम आपको रियल सुख देने वाले हैं, बोले सुख तो मेरे को मिल रहा है, बोले सुख नहीं, सुख तो मेरे को मिलता है, तो हमको, हम रियल सुख देंगे आपको, क्या देंगे, रियल सुख, आपका जो सुख है वो रियल सुख नहीं है,
नारियल हाँ नारियल सुख है ना तो क्यों? क्योंकि सुख तो आपको मिलता है, लेकिन वो सुख कैसा है? जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं ना, ये ही संस्पर्श जान भोगान दुख जो नयेवते आद्यंतवंत तु कौन्तेय न ते सूरमते बुधा, है ना। तो हमारा जो सुख है क्या है? संस्पर्श जान भोगान, तो इंद्रिय, हमारी इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के स्पर्श से, स्पर्श जब होता है तो वो उससे क्या होता है? सुख मिलता है, उसको भोग कहते हैं। तो वो जो सुख है वही जो है क्या है? सारे दुखों की जड़ है। दुख यो नय, दुख यो नय, वहां से दुख प्रकट होता है ना। इसी को समझना है और समझाना भी है ना। तो एक व्यक्ति बोला, आप लोग है ना भगवान कृष्ण के बारे में आप बताइए, भगवान कृष्ण ने हाँ इतने सारे विवाह किए, इतने सारे लीलाएं, गोपियों के साथ नाचते हैं, मतलब इसको कैसे समझें? थोड़ा समझाइए। तो हम बोलते हैं कि हम कुत्ते को नहीं समझाते, ये तो कुत्तों के लिए नहीं है ये सब। कुत्ते, सुअर, गधे, इनके लिए भगवान की लीलाएं नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते। मतलब क्या कि हम सब कुत्ते, सुअर, हम भगवान की लीला को क्या समझेंगे? भगवान की लीला को समझने के लिए पहले हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्यों में भी उच्च कोटि का मनुष्य, सनक सनातन। तो ये जो रियल सुख है, ये जो संसारिक जीव तो समझता ही नहीं कि सुख है क्या। पहले तो ये समझ लो कि सुख है क्या, कैसे प्राप्त होता है, तब जाके सुख। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल हैप्पीनेस, ये जो हैप्पीनेस है ये समाप्त हो जाता है समय के साथ। टाइम आया तो समाप्त हो गया कुछ समय के बाद। आद्यंत वंत तु कौन्तेय न ते सूरमते बुधा, आदि और अंत, इसका स्वभाव क्या है? इस सुख का, इसका आदि है और अंत है। आदि अंत वंत, वंत मतलब स्वभाव, इस सुख का स्वभाव है, इसका आदि होता है और अंत होता है। तो इसलिए ये सुख जो है आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें रमण नहीं करते। तो रियल सुख देने के लिए, रियल सुख देने के लिए आए हैं कौन? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। रियल सुख, तो रियल सुख कैसे मिलेगा? रियल सुख एवर लास्टिंग एंड एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग एंड एवर इंक्रीजिंग, जो कभी समाप्त ना हो, खुश, ऐसी खुशी जो कभी समाप्त ना हो, कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, कम ना हो, स्टे हाई फॉर एवर एंड कीप गोइंग हाई एंड हाई एंड हाई, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस वी आर गिविंग, है ना। तो हर व्यक्ति चाहेगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा मिलेगा खुश सुख,
ऐसा कुछ कुछ होता है क्या कि हमेशा मतलब कभी नीचे ही ना आए, स्टे हाई फॉर एवर? कहाँ मिलेगा? दो हमें देना है, दैट इज मिशन, आवर मिशन है ना। तो रियल सुख कैसे प्राप्त होगा? आपके पास फॉर्मूला क्या है रियल सुख देने का? वास्तविक सुख क्या है? तो वास्तविक सुख जो है उसको देने के लिए वास्तविक प्रेम। क्या? वास्तविक प्रेम। जहाँ वास्तविक प्रेम है वहीं वास्तविक सुख है। उसी प्रेम को देने के लिए आए हैं कौन? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु। और किसको देने आए हैं? जो सबसे ज्यादा अयोग्य है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? अयोग्यता है, अनक्वालिफाइड, मोस्ट अनक्वालिफाइड। हम सब कलयुग के जीव है ना, कलयुगी जो भी होगा वो क्या होगा? कलयुगी है ना, कलयुगी, कलयुगी, कलयुग का प्रोडक्ट है, मतलब समझ जाइए कि क्या होगा, कुछ भी है ना। इसलिए न्यूज पेपर में आता है कलयुगी साधु, कलयुगी माँ, कलयुगी बेटी है ना, उसने पूरे परिवार को ही कत्ल कर दिया है, उसकी फांसी की बात चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में है ना, उसने पूरे परिवार को काट दिया सिर रात में, उनको नशा में वो लड़की नशे की गोली पहले डाल दी दूध में, सबको पिला दी भी, 7 लोगों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप बहन 2 भाई गोली खिला के जब बेहोश हो गए तो रात में लड़के के साथ जिसके साथ उसका अफेयर था उसके साथ मिलकर सबका गला काट दी। 11 महीने का बच्चा उसका भतीजा, उसको भी पकड़ के गला दबा दिया। तो ये सब कलयुग में ही ये सब लीलाएं देखने को मिलती हैं, स्पेशल फीचर्स हैं ये सब कलयुग के है ना। और उसको बता, उसको पछतावा भी नहीं है, उसको पूछा कि कुछ कोई तुमको थोड़ा लग रहा है कि कुछ गलत करती हो? गलत, यही सही था, सही था, मेरा मेरे को विवाह नहीं करने दे रहे थे लोग, जिससे मैं प्रेम करती थी उससे है, विवाह नहीं करने दे रहे थे, काट दिया हमने, क्या गलत किया? मतलब ऐसे कलयुग के जो कहते कि गलती करेगा उसको वो मानेगा भी नहीं कि गलती है। एक तो व्यक्ति गलत करने के बाद थोड़ा ग्लानी होती है, हाँ मुझसे गलती हो गया, तो ऐसे व्यक्ति का कौन उद्धार कर सकता है बताइए? नित्यानंद प्रभु। दैट्स वाई नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की उनकी महिमा को समझना बहुत कठिन है। ऐसी कृपा चाहिए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, नित्यानंद प्रभु जैसी कृपा, श्रील प्रभुपाद जी जैसी कृपा है ना। कि चलो जो व्यक्ति अपनी गलती मान ले, चलो उसको बैठ के लेक्चर में समझा दें, समझ जाए, फिर आगे से समझ गया, क्लियर हो गया, मेरे से गलती हो गई, सुधार लेंगे कल से है ना। लेकिन कलयुग के जीव ये हैं कि वो मानेंगे ही नहीं गलती, ये पहले मानेंगे तब तो आप सुधारेंगे, है कि नहीं? असत्य रे सत्य कोरी मानी, जो असत्य है उसको सत्य मानेंगे है ना, और उल्टे जो उनको समझाने आएगा उसको पीट देंगे, उसी में उनको गलती लगेगी, सुधार रहा है, तुम सुधारोगे मेरे को हैं? अभी मैं तुमको बताता हूं, मूर्खाणा उपदेशात प्रकोप है न शांत है, मूर्खों को उपदेश देने से उनके क्रोध को बढ़ाते हैं हम, ऐसे मूर्ख हैं कि एक तो मर रहा है, मर रहा है भौतिक संसार में फंसा हुआ है,
स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, रोज सोचता है सुसाइड करने का, उसको बाहर निकालने का प्रयास करो तो उल्टे आपको पीट देगा। उसको इतना प्रेम है दुख से, आप निकालने जाओ तो आप ही को ब्लेम कर देगा, है ना। लाइक दैट कलयुग के जीव, जैसे बता रहे थे एक बच्चा था, वो रो रहा था, है ना, रोड पे जा रहा था, रो रहा था, है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को समझना है तो पहले कलयुग के जीवों को समझना पड़ेगा, क्यों? अनलेस कलयुग के जीवों को नहीं समझेंगे आप नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं समझ, जैसे कि अनलेस आप हिरण्यकश्यप को नहीं समझते तब तक आप भगवान नरसिंहदेव की महिमा नहीं समझ सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यप की लीला जो है 3 अध्याय में है, नरसिंहदेव प्रकट होते हैं 4-5 श्लोक में, काम लीला खत्म। अब बोलते हम नरसिंह लीला चलेगी, अरे नरसिंह लीला क्या, वो पूरा हिरण्यकश्यप लीला है कि नहीं? तो जब तक हम कलयुग के जीवों को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लड़ाई किससे है, कलयुग के जीवों से है, कलयुग के जीव हिरण्यकश्यप हैं और नित्यानंद प्रभु नरसिंहदेव हैं। पर यहां पे अस्त्र शस्त्र क्या है, प्रेम, प्रेम रूपी अस्त्र, प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम के द्वारा, है ना, प्रेम के द्वारा। प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम का लक्षण यह है कि जैसा भी है मेरा है, इसको मेरे को अपनाना है, ये प्रेम, अनकंडीशनल लव। पतित है, अधम है, दुष्ट है, पापी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा है, तो ये अपनाना, सबको अपनाते हैं नित्यानंद प्रभु, और प्रेम के द्वारा उसको क्या करते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं हृदय के। तो इसलिए कलयुग के जीवों के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है, तब नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएंगे कि आखिर वो क्यों हम नित्यानंद प्रभु की इतना गुणगान करते हैं, क्या, कौन है ये नित्यानंद प्रभु, क्या ऐसा किया इन्होंने, कौन सा ऐसा तीर मार लिया, लोग बोलते हैं क्या कर दिया इन्होंने, आप लोग निताई 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 करते रहते हैं दिन भर, हैं? तो ये कलयुग के जीव की लीला, कलयुग है ये, कलयुग के जीवों को कि किस्मत में ही लिखा है दुख, है ना, क्रूर स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, जो उनको बचाने जाता है उसी को फंसा देंगे, हाँ उसी को फंसा देंगे। इसलिए कई लोग बोलते हैं बचाओ मत किसी को, है ना, हम लोग रोड पे जाते तो कोई भीख मांगने वाला लड़का आता है तो बोलते उसको खाना मत देना, प्रसाद मत दीजिएगा, बोले क्यों प्रसाद दे रहे, तो एक भक्त बोला प्रसाद मत दीजिए प्रभु जी, बोले क्यों, बोला अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई है कि किसी ने खाना दिया उसको, खा के और रोने लगा और रोड पे गिर गया बच्चा, और रोड पे गिर गया, चिल्लाने लगा, पुलिस लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, इस व्यक्ति ने मेरे को जहर खिला दिया है, हाँ कुछ खिला दिया इसने, पुलिस को बुलाओ, पुलिस आप ही को फंसा देगा, ऐसे लोग हैं। वो एक बच्चा था, वो पुलिस का आया था, मैसेज आया था कि एक बच्चा था रोते हुए जा रहा था, पुलिस कोई रोता हुआ बच्चा मिले आप हेल्प मत करो उसको, पुलिस का मैसेज आया था, बोले ऐसा क्यों, बोले ऐसी घटना हुई है, एक रोता हुआ बच्चा जा रहा था, एक औरत जा रही थी, उसको उसने आके रोने लगा उसके सामने, तो औरत ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, दया आ गया, क्या हुआ बेटा, हैं, तो बोला कि मेरे घर जो है मैं भटक गया हूँ, मम्मी पापा हैं, तो औरत ने बोला अच्छा दया आ गया उसको, बोली कहाँ है तुम्हारा घर, बोला यहाँ यहाँ, एड्रेस बताया उसने, तो औरत जो है उसको लेके गई, उस जो एड्रेस बच्चे ने बताया वहाँ लेके गई, वहाँ पे गुंडे थे,
उस घर में, और उन्होंने उसको औरत को किडनैप किया और फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आप सोचो ऐसी कलयुग है, आप उस किसी को हेल्प करने जाओगे वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा, ऐसी स्थिति है कलयुग की है। अब ऐसे जीवों का कौन उद्धार करने जाएगा बताइए है? जस्ट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। दैट इज द प्रॉब्लम। लाइक स्नेक, आप सांप को दूध पिला जाओ आपके को काटेगा। तो ऐसे लोगों का उद्धार करना दैट इज प्रचार, नॉट इजी टास्क। ये आसान काम नहीं है। और ये काम की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नित्यानंद प्रभु की है ना। और नित्यानंद प्रभु ये काम करते हैं है ना। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाय जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी आमार किनिया लहो भज गौर हरी। वो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु सांप ही सांप को काटता है, तो नित्यानंद प्रभु क्या है? सांप है, अनंत शेष। समझे बात को? और हम लोग भी क्या है? सांप है ना। तो सांप ही सांप को हैंडल कर सकता है, इसलिए भगवान ने सांप को लगा दिया सांप के पीछे। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं हमारा स्वभाव है ना, इसलिए वो हमको कैसे सुधारना है, कैसे बचाना है, ये भी जानते हैं। तो बहुत क्रोध, नित्यानंद प्रभु भी बहुत क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी, लेकिन अभी क्या है? अक्रोध, अक्रोध है ना, अनंत शेष के रूप में बहुत क्रोध है ना? और बलराम जी के रूप में बहुत क्रोध में, बहुत क्रोध में। तो पिछले अवतार में तो बहुत क्रोधित थे, बहुत क्रोधी है ना। थोड़ा भी अगर आप गड़बड़ कर देंगे सीधे मर्डर से नीचे बात नहीं होती है। हाँ, छोटे मोटे लोगों का तो कुछ नहीं, आप व्यास आसन पे बैठे वहीं पे मर्डर कर देंगे आपका, व्यास आसन पे मर्डर। ऐसे इतना क्रोध है ना, बाद में ठीक है तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आप है ना, रोमहर्षण सुत को व्यास आसन पर ही सबके बीच में भरी सभा में मर्डर, क्यों, क्या गलती थी? अरे मैं आया खड़ा नहीं हुआ, मैं पहुंचा वहां, सबको सिखा रहा है भागवत धर्म, खुद खड़ा नहीं हुआ, इतनी सी गलती खड़ा नहीं हुआ मेरे सामने, सोचिए है। और वही बलराम जी कलयुग में जब आए नित्यानंद प्रभु के रूप में है? भगवान का मूड समझ गए, भगवान क्या चाहते हैं, गौरांग महाप्रभु क्या इच्छा है, गौरांग महाप्रभु चाहते हैं कि पतित जीवों का उद्धार हो, मारेंगे तो सबको, कोई बचेगा नहीं। अगर यहाँ पे मारने लगे तो नित्यानंद बलराम जी को भेज दे अगर कलयुग में तो क्या होगा है? एक भी वक्त नहीं बचेगा लेक्चर देने वाला।
रोज न्यूज पेपर में आएगा, वहां उस भक्त को मार दे। है ना, व्यासासन में बैठ के कोई लेक्चर दे रहा है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बड़े स्पेशली, महाप्रभु ने जब ऑर्डर दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट संभालना है, तो बिल्कुल उसी अनुसार स्वभाव भी बदल देने का है ना। तो प्रोजेक्ट के अनुसार स्वभाव है ना। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट क्या था, मारपीट करना था, राक्षसों को मारना था, दुष्टों को है ना। परित्राण साय धुना बिना साय च दुष्कृतान, तो उसी हिसाब से मूड बना के एकदम, एक हाथ में मुसल और दूसरे में हल, दो बलराम जी के हाथ में दो चीज़, एक में हल है और दूसरे में मुसल। पहले में हल, और अगर हल नहीं हुआ तो फिर मुसल, समस्या अगर हल नहीं हुई है ना, अगर एक हाथ से समस्या हल नहीं हुई तो फिर हल मतलब हल करना है समस्या, और उसे समस्या नहीं हुई तो फिर मुसल। इसलिए बलराम जी का जो हल है वो विशेष हल है ना। वो 2 इंच का भी हो जाता है, पॉकेट में भी रख लेते हैं जब मन में आता है, और जरूरत पड़े तो 10 योजन है ना। तो दुष्ट अगर 10 योजन है या 100 योजन भी, समुद्र के उस पार भी है, तो अपने हल से खींच के लेके आते हैं है ना, और फिर मुसल से सही बात बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, यही टेक्निक है ना। पहले हल से खींच के लाओ टेंपल हॉल में, और फिर लेक्चर सुना के दैट इज नित्यानंद प्रभु। ऐसे हल है, ऐसे सब जितने लोग बैठे होंगे सबसे पीछे भी उस तरफ फेंक देंगे हल, फिर सबको ऐसे खींच के, कैसे मारते थे युद्ध में जब बलराम जी ऐसे हल से ऐसे, और सबको खींच के इधर लाके, और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे, दैट वाज द टेक्निक है ना, युद्ध का टेक्निक। हस्तिनापुर को तो हल के ऊपर उखाड़ के ऐसे ऐसे उखाड़ के बोला, फेंक दूंगा गंगा जी में, पूरा शहर है उठा के, पूरा शहर ही उठा के फेंक दूंगा गंगा जी में है ना। गलती क्या था हस्तिनापुर का, गलती क्या था, गलती इन्हीं का था। सांब जो है वो दुर्योधन की बेटी को उठा के ले गया है, भाई आप किसी के बेटी को उठा के ले जाओगे, आपका घर का लड़का उठा के ले जाएगा और उसको पकड़ के दंड देंगे तो आप बोलोगे तुम्हारी गलती है, वो ठीक किया था है? तो बलराम जी बोले छोड़ दो उसको, बोले उतने हमारी बेटी को उठा के ले गया, बोले जो भी किया है छोड़ो उसको, वो हमारा है, हमारा बच्चा है, छोड़ो है ना, नहीं छोड़ेंगे तो उठा के फेंक दूंगा पूरा शहर नदी में है ना। लाइक दैट भगवान है ना, भगवान है, इतनी शक्ति है वो प्रभु है? थोड़ा भी रुक्मी ने हल्का सा दांत दिखा दिया है ना, हल्का सा दांत दिखा दिया, क्योंकि खेल रहे थे शतरंज चेस खेल रहे थे, और उसमें हो सकता है बलराम जी थोड़ा हार गए होंगे, इधर उधर हो गया हो, बहस हो गया, उसमें उसने हल्का सा हंस दिया देख के कि ग्वाले होके क्या चेस खेलोगे, ऐसे बोल दिया उसने, उसको गुस्सा आ गया, अभी बताता हूँ ग्वाला क्या करता है ना। उसी ऑन द स्पॉट डेथ वहीं पे चेस खेलते, विवाह चल रहा था, शादी विवाह का माहौल था, शादी विवाह का माहौल था, ये सब क्या होगा, शादी होगा कि नहीं होगा, विवाह होगा कि नहीं, अभी पहले भी इसको मारेंगे। सो दैट इज नित्यानंद प्रभु, सो एंग्री, एक सेकंड में तुरंत इतना क्रोध है ना आ जाए और फिनिश कर दे पूरी पृथ्वी को है। परशुराम जी आए सभा में है, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, शिव धनुष को, इतने गुस्से में थे, वहाँ भी थे
नित्यानंद प्रभु है ना, तो क्रोधित हो गए एकदम तुरंत। तो परशुराम जी को से सारे राजा तो थर थर कांपने लगे ऐसे ऐसे, कोई तो व्यासन के नीचे सिंहासन के नीचे जाके छुप गया, बोल रहा परशुराम जी आए तो सिंहासन के नीचे जाके छुप गया, कहीं देख के मार न दें है ना। तो परशुराम जी जब क्रोध किए तो लक्ष्मण जी बोले कि कौन क्या आप कर सकते हो, हमारा कुछ नहीं कर लेंगे, झूठ मूठ का डिंग हाँक रहे हैं आप है ना, हमारे आप पहचानते नहीं। वो बोले तुम पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ बच्चा, तो ये बोल रहे तुम भी नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ, एक बार राम की आज्ञा हो तो पूरी पृथ्वी को पटक दूंगा उठा के, फुटबॉल की तरह मटकी की तरह पकड़ के फोड़ दूंगा पूरी पृथ्वी है ना। लेकिन वो प्रभु देखो स्वभाव काम के अनुसार स्वभाव है ना, तो अभी प्रोजेक्ट अलग मिला है अभी क्या प्रोजेक्ट मिला है, अधमा पतित गृहे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दिलो बिलाइया, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी आमार किनिया लहो भजो गौर हरी। जिसके सामने भी जाते हैं दोनों हाथ जोड़ के ऐसे एकदम दांतों में तिनका लगा के, सर 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 प्लीज चैंट द होली नेम, दांतों में तिनका लगा के सर सर क्या, वो सब सांप है सर नहीं है, लेकिन सांप के सामने उसके सामने भी हाथ जोड़ के बड़े ही प्रेम से विनम्रता से अभिमान शून्य नीता आई, अभिमान से शून्य, कोई अभिमान नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ूंगा नहीं। गौरांग महाप्रभु ने कहा इस बार का प्रोजेक्ट अलग है, इस बार हाथ जोड़ के ही काम करना पड़ेगा, क्रोध नहीं। ये प्रोजेक्ट किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, क्या कि क्रोध नहीं करने का प्रचार करना है, और प्रोजेक्ट को इतना बढ़िया से संभाले, इतना बढ़िया से संभाले कि महाप्रभु क्रोध किए तो उनको भी बोला क्रोध नहीं करने का अभी वो जिनने प्रोजेक्ट दिया वही तोड़ रहा है प्रोजेक्ट को, तो उनको भी समझा रहे प्रभु क्रोध नहीं करने का अभी है, ये अवतार में क्रोध आपने तो बोला था कि क्रोध से नहीं होगा, कलयुग के जीवों का उद्धार क्रोध करने से नहीं होता, मार खाए प्रेम दे बनना पड़ेगा, पहले के सारे अवतार में मार के प्रेम दे, पुतना को पहले मारा उसके बाद प्रेम दिया माँ बनाया है कि नहीं, उसके बाद गोलोक भेजा, मारने के बाद जितने असुर थे पहले उनकी पिटाई कुटाई हुई है, अब फिर प्रेम है कि नहीं। लेकिन ये अवतार तो मतलब न कभी देखा गया न सुना गया, ऐसा अवतार ऐसी महिमा है कि यमराज भी बेहोश हो गए ऐसे अवतार को देखकर, ऐसे भगवान को देखकर यमराज भी मूर्छित होकर गिर पड़े नाचते नाचते, क्यों कि इतना पाप क्या कोई खत्म कर सकता है, क्या कोई नहीं कर सकता है ना। तो हृदय को पत्थर हृदय को क्या करते हैं, पिघला देते हैं, पत्थर हृदय को पिघला देते हैं अपने प्रेम से है ना, कि जीव भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या, इतना दयालु दुनिया दुष्ट व्यक्ति भी सोचने पे मजबूर है क्या यार ऐसा व्यक्ति होता है क्या इसके जैसा, इसको मारो और प्रेम दे रहा है, ऐसे सोच के पत्थर हृदय पिघल जाए उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे हैं, और भी भगवान चाहे तो एक सेकंड में पूरी पृथ्वी
अनंत कोटि ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इतना शक्ति है, उसके बावजूद उसको मार दिया हमने, छोटा मोटा आदमी को मार दिया, महात्मा गांधी को तो ऑप्शन भी नहीं है, कुछ दूसरा गाल देना है उनको, और क्या करेंगे, है कि नहीं, मारेंगे तो और पड़ेगा, तो वहाँ पे तो बुद्धिमानी है कि दूसरा गाल दे दो, ठीक है, कम से कम नाम होगा कि सहनशील थे, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु की तो ये मजबूरी नहीं है ना, वो तो चाहे तो पूरा सृष्टि एक सेकंड में प्रलय कर दे, है कि नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर क्षमा करे तो माना जाएगा कि कुछ किया क्षमा, है कि नहीं। तो वो प्रभु अभिमान शून्य, कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं, और विनम्रता, कृपालु है। वैष्णव का सबसे पहला गुण क्या है 26 गुण में? कृपालु। तो निदान प्रभु इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, सब में सबकी पॉजिटिव देखते हैं, और उसी पॉजिटिव को देखते हुए सबके अंदर गुण देखते हैं, और गुण देखकर उसको क्या करते हैं, उसको भगवान से कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बदमाश है लेकिन इसके अंदर ये गुण भी है, है ना। क्या कहते हैं, ये बदमाश है, भगवान गौरांग महाप्रभु बोलते हैं ये बदमाश है, इसका उद्धार नहीं कर सकते हम। तो नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं हाँ बात आपका सही है प्रभु, बदमाश बहुत बदमाश है ना, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन वो दूसरा वाला है ना, वो उसने मेरे को बचाया है। क्या बोले, वो दूसरा वाला उसका दोस्त है ना, उसने मेरे को बचाया है। अच्छा उसने बचाया आपको, हाँ उसी ने बचाया है, वो क्या बचाएगा, वो खुद ही सांप है, उसका उद्धार करवाया और फिर ट्रिक लगा के फिर दूसरे का भी करा दिए, दैट इज नित्यानंद प्रभु, है ना, दूसरे का भी करा दिए, है ना। भगवान और जीव के बीच में कैसे मिलन कराना है, मिलाप कराना है दोनों को, ये नित्यानंद प्रभु इसमें एक्सपर्ट हैं, विशेष रूप से अपने पे मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, तो मार के प्रेम दे तो बहुत अवतार हुआ, लेकिन मार खा के प्रेम कौन देता है बताइए, हैं, तो माँ का हृदय हुआ ना, कि बच्चा माँ को क्या करता है, फिर उसका बाल पकड़ के से खींचता भी है, है ना, और फिर भी माँ क्या करती है, उसको अपने गोद में उठाती है, हैं, बच्चा पैखाना में बैठा रहता है, है ना, फिर भी माँ उसको क्या करती है, अपने गोद में उठा लेती है। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु जो है सारे जीवों को अपनाते हैं। तो जगाई और मधाई का उद्धार जो है विशेष रूप से है, सबसे महत्वपूर्ण लीला है नित्यानंद प्रभु की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट टाइम्स। उस पास्ट टाइम में यही सूचना मिलती है कि नित्यानंद प्रभु हमें सिखाते हैं, आने वाले जितने जनरेशन है वैष्णवों की पीढ़ियाँ सबको सिखाते हैं कि कलयुग में प्रचार कैसे करना है, है ना, कैसे करना है प्रचार, इसको नित्यानंद प्रभु सिखाए कि यही तरीका, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाय। अभिमान शून्य होना पड़ेगा, अभिमान शून्य है, कोई अभी अहंकार नहीं, हम भक्त हैं, हम भगवान हैं, ऐसा नहीं, हम महान नहीं, दुष्ट को अक्रोध, क्रोध भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है ना। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी क्रोध किए हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की पूरी लीला में कहीं पे क्रोध नहीं किया नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु तो कई बार क्रोध कर देते थे, है ना, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कभी क्रोध नहीं किया, कभी क्रोध नहीं करते थे, है ना, तो क्रोध नहीं किया कभी, यहाँ तक कि जगाई मधाई ने उनको मारा, है ना।
मारने के बाद भगवान ने खून निकाला अपना, क्या किया, अपना खून निकाला, ऐसे नहीं कि खून बहने लगा, भगवान अपनी इच्छा से खून को निकाले, है कि नहीं। क्यों खून निकाले, खून देख के ही दूसरे का हृदय थोड़ा पिघला, उस खून को देखा, रे अरे यार हमने साधु का खून निकाल दिया ना, ऐसा सोचा दूसरे ने, जगाई ने, हैं किसने सोचा, जगाई या मधाई, मधाई आई थी तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, जगाई ने सोचा था ना, जगाई ने, जगाई ने सोचा ऐसा, है ना, अरे खून निकाल दिया हमने इनका, फिर भी ये मतलब हमको भाई भाई बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि बस चैंट करो एक बार, है ना। तो ये क्या है, ये एक ऐसा रूप है नित्यानंद प्रभु का, खून निकलता हुआ रूप ना, वो देख के ही पत्थर पिघलता है, उसको ऐसा रूप प्रकट किया उन्होंने उनके सामने, है ना। वो रूप ऐसा था कि उसको देख के जो है पत्थर हृदय पिघल जाए, उसी रूप का ध्यान करने से ना हमारा पत्थर हृदय भी पिघल जाए, है ना। कि भगवान जो हैं, है ना, जैसे इसलिए उसको याद करने से, इस लीला की चर्चा करने से पत्थर हृदय पिघलता है, ये जो जगाई मधाई उधार की लीला है, कैसे मतलब जगाई मधाई जब रक्त बहता हुआ देखा, लाल रक्त देखा गिरते हुए, और साधु और फिर भी इतना विनम्र, है ना, इतना विनम्र, तो दूसरे ने थोड़ा हाथ रोक दिया, रुक जाए एक मिनट रुक जा, है। दोबारा जब मारने के लिए मधाई उठाया तो उसने, जगाई ने हाथ रोका, एक मिनट रुक जा, है ना, अब छोड़ दे, अभी इसको अब छोड़ दे, रहने दे, है ना, इतना ही हुआ था। तो एक उसमें से एक का हृदय को क्या कर दिया, पिघल दिया। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमोन दयाल दाता, ऐसा दयालु दाता तीनों लोक में कोई नहीं है। पशु पक्षी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा, पशु पक्षी भी रोने लगे उनके गुणों की कथा को सुनकर, पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। भक्त लोग सोने लगते हैं, हैं? पत्थर भी फट जाए, पत्थर भी पिघल जाता है, हैं? इनके गुणों की गाथा को सुनकर, गुण गाथा, कथा है, लीला और गुण, नाम रूप गुण और लीला, रूप गुण और लीला, रूप भी, रूप भी ऐसे। तो इसलिए जगाई और मधाई का इतना हृदय परिवर्तित कर दिया, इतना हृदय परिवर्तित कर दिया कि मतलब पाप तो नष्ट हुआ ही, पाप तो नष्ट होना वो तो एक बात है, तो गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसा प्योरिफिकेशन करते हैं कि पाप तो नष्ट करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट कर देते हैं। तो जगाई और मधाई का ऐसा उद्धार किए, इसलिए सीखना चाहिए हमें प्रचार का मतलब नित्यानंद प्रभु की तरह, है ना, फाइन फिनिश करके ही छोड़ना है, बीच में अधपका नहीं, है? फाइन फिनिश, पूरा एकदम फिनिशिंग करके तब हैंड ओवर करने का प्रोडक्ट को।
है कि नहीं? तो जगाई मधाई को पूरा फाइन फिनिश करके फिर, तो जगाई मधाई जो है आके रोने लगे बाद में, है ना, नित्यानंद प्रभु के पास आकर रोने लगे। बहुत बड़ी लीला है, बीच बीच का बता रहे हैं। दोनों आके रोने लगे, प्रभु हैं हम 128 माला रोज कर रहे हैं, हैं सोचिए, शराबी जुआड़ी है? उनका वर्णन आता है चैतन्य भागवत में बड़ी डिटेल में, जगाई मधाई के स्वरूप का वर्णन है ना। रोज वेद पढ़ते थे, क्या करते थे, जगाई मधाई डेली वेद शास्त्र पढ़ते थे। किस लिए? पता करें कि कौन सा चीज जो है नहीं तोड़ना चाहिए, उसको आज तोड़ेंगे, है ना। वेद में क्या लिखा है रे? अच्छा, मतलब किसी के घर को जलाना आतता ही होता है, अच्छा तो आज इसी को करेंगे, ठीक है। आज 10 घर को जलाना है, ठीक है, ऐसे वेद पढ़ पढ़ के पाप करते थे। क्या क्या मना किया गया है वो बता पहले, आज फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या मना किया गया है। है ना, है? बताते हैं कि कोतवाली का काम करते थे, कोतवाल के मतलब नौकरी ले रखे थे दोनों, लेकिन कभी दफ्तर का मुख नहीं देखे थे, जाते नहीं थे काम पे, लेकिन सैलरी लेते थे। अगर बॉस सैलरी नहीं दिया तो उसको कूटते थे जाके, है ना, मतलब दादागिरी, है ना, लाइक दैट। तो ऐसे दुष्ट, और उनको क्या परिवर्तित कर दिए, है ना, क्या परिवर्तित बना दिया, क्या बना दिया है उसको देखना है। प्रोडक्ट को कहाँ से क्या प्रोडक्ट बनाया है, तो नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु जब उनके रक्त बहने लगा तो गौरांग महाप्रभु आए क्रोध में, है ना। सारा पूरा सेटिंग है, सारा कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एक क्रोध करेगा, दूसरा आके, एक जो है बोल का खून बहेगा, दूसरा आएगा पीछे से क्रोध करेगा, दोनों मिल के एकदम प्लेन करेंगे सबको, दोनों गौरांग और निताई दोनों, पूरा पक्का एकदम उनका ऐसा सेटिंग है। कैसे किसको कन्वर्ट करना है, कैसे किसको ट्रांसफॉर्म करना है हार्ट को, बिनु भय हो न प्रीति। तो एक प्रीति दिखाएगा तो सामने वाला सोचेगा कमजोर है, है ना, तो इसलिए दूसरा क्या करेगा, भय कराएगा, है ना, भय ना, भय नहीं होगा तो जाएगा नहीं शरण में। तो गौरांग महाप्रभु आए सुदर्शन चक्र लेकर, ऐसे वो किस लिए, मारने के लिए नहीं, क्या दिखाना है, दिखाना है, डराना है ना। बिना भय के प्रीति नहीं होती है ना। तो अब तो लगा दोनों को कि अब सिर कट जाएगा, समझ गए कि ये कौन है, ये भगवान है। सुदर्शन चक्र देख के समझ में आया क्या कि भगवान है, है ना। अरे भगवान हो कि ऐसा विनम्र, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। और सुदर्शन चक्र को जब देखा दोनों, नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लिए गौरांग महाप्रभु का, प्रभु बालक है, अज्ञानी है, इसको पता नहीं है इसलिए मार दिया, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब ये उस रूप को ध्यान कर रहे हैं जगाई मधाई, कि जिसको हमने मारा वही हमको क्या कर रहा है, बचा रहा है, यही तो उसको मतलब पिघला दिया उस हृदय को, है ना। सो दैट्स व्हाट वी शुड लर्न ऑल्सो, है ना, हृदय पिघल गया, है ना। जगाई को महाप्रभु ने अपनाया, वो जगाई मधाई फिर उद्धार हो गया, मधाई का भी को भी अपनाया। मधाई को महाप्रभु बोला तुमको क्षमा नहीं करूँगा, तुमको क्षमा नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे। बोला क्यों? क्योंकि तुमने मारा है नित्यानंद प्रभु, इसने तो बचाया लेकिन तुमने तो नहीं बचाया, तुम तो मारा है,
तो तुमको क्यों बचाऊं, तुमको तो मारूंगा, है ना। तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब नित्यानंद प्रभु तुमको क्षमा करेंगे, वही उद्धार करेंगे, मैं भी नहीं कर सकता तुम्हारा उद्धार। तो नित्यानंद प्रभु बोले क्षमा क्या करना, मतलब उद्धार कर दीजिए। मैंने कब बोला कि मतलब इसने मारा है, मैं तो बोला ही नहीं, ये बच्चा है मेरा, इसको उद्धार कर दी। मधाई भी बोलने लगा, प्रभु हमने जो भी किए साथ में किए, उद्धार भी साथ में होना चाहिए। तो शराब पिए साथ में पिए, गांजा पिए साथ में किए, किसी का कुटाई किए साथ में किए, किसी का घर जलाए साथ में, अब उद्धार भी साथ में कर दीजिए प्रभु, है ना। तो उधार तो हो गया, महाप्रभु ने अपना लिया दोनों को। तो बाद में जब दोनों अब 128 माला डेली करने लगे, कितना 128, 16 हम लोग करते हैं लेकिन जगह मधाई 128, है ना। महाप्रभु बोले कि आज के बाद जगाई मधाई को कोई भी पापी बोलेगा उसका सिर फोड़ दूंगा मैं, है ना। तो हम लोग लेक्चर में बोल रहे हैं इसलिए क्षमा मांगना है। तो नाम जगदानंद और माधवानंद नाम पड़ा दोनों का, दीक्षा हो गई, है ना। तो इतना हृदय परिवर्तित हो गया, जब करते थे बैठकर गंगा जी की सेवा करते थे, जप करते थे, लेकिन बार बार एक दिन आए नित्यानंद प्रभु के पास दोनों, और आए और नित्यानंद प्रभु को बोले, चरणों में गिर पड़े। बहुत मतलब वो प्रसंग एक्चुअली हमको पढ़ना चाहिए, जगाई मधाई ने कैसे गुणगान किया नित्यानंद प्रभु का, चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रार्थना है जगाई मधाई की, नित्यानंद प्रभु की वंदना न। और चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आपने तो अपना लिया हमें, लेकिन हमारा अपना हृदय हमें नहीं अपना पा रहा है कि हम इतने पाप किए, इतने लोगों को कष्ट दिया हमने, है ना, वो हमसे भूला नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या करें। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम लोग वैष्णवों की सेवा करो, क्या बोले, लोगों की सेवा करो, केवल माला करने से नहीं होगा, क्या बोले, केवल माला करने से, 128 माला कर रहा है फिर भी कमी रह गई, समझे बात को, कुछ समझ में आ रहा है। 108 हम तो 16 माला में ही बोलते हैं, अब क्या करना है, 16 माला कर रहे हैं ना, हमारा माला होना चाहिए बस, कोई वैष्णव नाराज हो गया तो होने दो, क्या करते हैं, हम अपना माला ध्यान से करेंगे, हो गए तो हो जाए, है ना, नाराज हो गए तो हो जाए, है ना। केवल माला से नहीं होगा उद्धार, है ना, इस बात को समझना है। तो इसलिए आए तो नित्यानंद प्रभु बोले कि ऐसा करो, सेवा करो वैष्णव। तो दोनों जाके जगाई मधाई घाट बनाया उन्होंने, ना, गंगा जी के किनारे अपने हाथों से घाट बनाया वैष्णवों के लिए, वैष्णव आते थे ना, तो स्नान करने के लिए, वो स्नान करते थे तो पीछे से उनका धोती कुर्ता सब ऐसे धो के एकदम आयरन उरन करके सुखा के एकदम करके रखते थे उनको, तो लोग देखते थे, है ना। कई लोग तो मतलब जिनको जब पता चला ये लोग सुधर गए हैं, तो उनको पहले मारा होगा इन लोगों ने, तो जब पता चल गया कि अब तो ये सुधर गए, अच्छा सुधर गया है, तो आते थे बदला लेने के लिए, तो हाथों में पत्थर लेके आते थे, मारते थे ना, मारते थे पत्थर से, मारते थे जगाई मधाई को, तो पत्थर उठा के और उसके पास जाते थे, तो सोचा था लगता है गुस्सा में हो गया फिर मारेगा हमको। सुधरा था लेकिन मार दिया, अब गुस्सा में फिर से पीटेगा, तो जाते थे उसके आँखों में अश्रु जाके उसके हाथ में पत्थर पकड़ा के बोलते थे दोबारा मारिए, क्या बोलते थे, दोबारा मारिए, हमने जितने पाप किए उसको एक बार मारने से ख़त्म नहीं हुआ। जब वो मारते थे दोबारा, उनकी आंखों में भी आंसू गिरने लगते, इतना परिवर्तन कोई कर सकता है क्या किसी का हृदय,
तो ये है नित्यानंद प्रभु, ऐसा परिवर्तन लाते हैं, है ना, ऐसा परिवर्तन, पत्थर हृदय को भी बिल्कुल पिघला देते हैं, है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उनसे प्रार्थना करना है कि हमारा भी वही हाल कर दें। हम लोग जगाई मधाई से भी ज़्यादा पतित हैं, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, आप प्रभु जी जैसे बहुत बार कलयुग के बारे में बोलते हैं सभी कि अरे कलयुग का तो प्रभाव है, कलयुग की वजह से सब हो रहा है, सब तो होगा ही, कलयुग का ही प्रभाव है। तो ऐसे में हम कैसे उनको प्रचार करके बोले कि भाई कलयुग का प्रभाव तो है, लेकिन हम किस तरीके से उसको डायल्यूट करना है और किस तरीके से उन्हें प्रचार कर सकते हैं इसके विषय में, किस तरह से प्रचार कर सकते हैं कलयुग में है? हाँ, कलयुग दो दोषनिधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। एक महान गुण है कलयुग में, बाकी तो दोष है, है ना, समस्या है, लेकिन एक सोलूशन भी है, वो है कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगह परम ब्रजेत। भक्तों का संग और भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन, है ना, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग को भगाया जा सकता है। कली कुकुर कदन जदि चाओरे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओरे। हैं, अगर कुत्ता कली को अगर भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, जोर से गाना पड़ेगा क्या, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन, ये बोलिए भाग जाएगा कुत्ता। एक ही से डरता है कलयुग, एक ही व्यक्ति से कलयुग डरता है, किससे, नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु आएंगे तो दुम दबा के भाग जाएगा, वहां नहीं रह सकता, है ना। गौरांग महाप्रभु और दुनिया का कोई भी आप उपाय कर लो, कृष्ण से भी नहीं डरता है, उन्होंने तो भेज रखा है, उन्हीं से परमिशन लेके तो आया है, वो बीच में क्यों इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो इसलिए कृष्ण से भी नहीं होगा काम, ये काम केवल गौर निताई से होगा, है ना। तो कलयुग को अगर भगाना है तो केवल गौर निताई, है ना, गौर निताई की कृपा से ही कलयुग। इसलिए हमको हरिनाम संकीर्तन स्पेशली गौर निताई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये विशेष कलयुग के लिए ये अवतार है, है ना, इनकी कृपा से ही उद्धार होगा। हरे कृष्ण महामंत्र से भी नहीं होगा, महामंत्र से भी उद्धार नहीं होगा, कलयुग के जीव इतने पतित, महामंत्र भी फेल। इसलिए महामंत्र को पोटेंट बनाने के लिए गौर निताई का नाम, गौर निताई के उपासना, हाँ विशेष, तब जाके महामंत्र का इफेक्ट आता है, तब प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए गौर निताई की लीला जरूर पढ़ने का और तब जप करने का, है ना। तो ये हृदय नहीं तो मेल्ट नहीं होगा, कलयुग का हृदय है ये, फौलाद का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है ना। इसलिए वासुदेव घोष क्या कहते हैं,
आमी गौरांग बोलिया नागेनु गलिया के मने धरिनु दे बासु रहिया पाषाण दिया के मने गढ़िया छे। वासुदेव घोष का हृदय पत्थर का किसी ने बना दिया जो पिघलता ही नहीं है, गौरांग बोलने के बाद भी नहीं पिघलता। तो यहाँ तो कहते कि गौरांग बोलने के बाद भी नहीं पिघलता, ऐसे कह रहे हैं, है ना। ऐसा ऐसा हृदय है कलयुग का, तो लीला जरूर सुनने का। क्या गौर निताई की लीला सुनना, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेश लीला हृदय निर्मल भेलो तार। तो लीला जरूर सुनना है ना, गौर निताई की लीला जरूर सुननी है ना, क्योंकि वही लीला से हमको समझ में आएगा कि हम कितने पतित हैं, हम कितने पतित हैं, और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु कितने पतित पावन हैं। प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, प्रेम का आनंद क्या होता है ना, प्रेम का आनंद क्या होता है, प्रेम के आनंद का स्वरूप क्या है, वो जब चख लेंगे गौरनिताई की लीला से तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, नहीं मेरे को भी ऐसे चखना है, इसको बढ़ाना है अब, तो वो गौरनिताई की लीला पूरे शुरू से लेकर अंत तक केवल प्रेम लीला ही है, प्रेम लीला। तो उसको जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय जो है वो पिघल जाता है, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा हृदय। तो हम लोग को गौरनिताई की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए, है ना, समझना चाहिए। कृष्ण लीला बहुत कठिन है, गौरनिताई की लीला हम समझ सकते हैं, कुत्तों को भी समझा सकते हैं गौरनिताई की लीला, हाँ वही है ना, वही लीला है ब्रज की लीला, वही लीला जो रस रास लीला ब्रज की, उसी को फिर से प्रकट किया है ना, उसी को दोबारा प्रकट किया है ना, गौरा प्रकटीला है ना, रास लीला को ही महाप्रभु ने संकीर्तन लीला बनाया ना, इसमें क्या कोई कुत्ता भी नाच सकता है, इसलिए संकीर्तन लीला में आप देखिए महाप्रभु कुत्ते भी आ जाते थे, उनका भी उद्धार हो जाता था, है ना। एक कुत्ता संकीर्तन पाठ, महाप्रभु कुत्तों से बहुत प्रेम है, लेकिन स्पेशली पिल्ले, कुत्ते से ज़्यादा पिल्ले, क्योंकि कुत्ते तो सेट हो जाता है उनका दिमाग, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुत्ता कम लेकिन पिल्लों से ज़्यादा, क्योंकि नए नए थोड़ा। कुत्ता जो है भक्त भक्त लोग पकड़ते हैं, है ना, शिवानंद सेन का कुत्ता, तो कुत्ता जो है वो महाप्रभु को विशेष प्रिय है ना। तो हम कुत्ते हो सकते हैं लेकिन घबराना नहीं है, कुत्ते के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन क्या, कि भक्तों के बीच में रहे ना, बस एक, बाकी बुक डिस्कशन करे या ना करे, है ना। जैसे शिवानंद सेन का कुत्ता था वो बुक डिस्कशन नहीं करता था, है ना, यूथ प्रीचिंग भी नहीं करता था, जीरो प्रोडक्टिविटी, लेकिन एक काम करता था, क्या, भक्तों के साथ रहता था, प्रसाद खाता था, हाँ। इसलिए केवल इतना ही गुण था उसके, क्या, कि जहाँ भक्त जाते तो पीछे पीछे रहता था, वो छोड़ता नहीं था भक्तों का संग, है ना। तो जब जब नदी आ गया, अब नदी कैसे पार करना है, कुत्ता नहीं पार कर सकता, तो शिवानंद सेन ने क्या कहा, नाविक बोला कि इसको कुत्ते को नहीं ले जाता मैं नाव पे, तो शिवानंद सेन बोले नहीं इसको तो ले जाना पड़ेगा, ये तो मेरा कुत्ता है, ये संकीर्तनी कुत्ता, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। बोला इसको ले जाने के लिए डबल पैसा लगेगा, तो मतलब आदमी का पैसा, अगर मनुष्य का पैसा अगर 5 रुपये है तो इसके लिए 10 रुपये देना पड़ेगा आपको। बोला 10 रुपये लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुत्ता को मैं छोड़ नहीं सकता है। तो नाव वाले बोले इस कुत्ते को क्या करेंगे आप, क्या फ़ायदा है, इसको क्यों ले जा रहे हो आप, है ना। तो बोले क्या करें अब, ये हम ये जाना चाहता है, हम क्या करें, ये जाना चाहता है इसलिए हम इसको ले जाना चाहते हैं, बस और कोई गुण नहीं, ये जाना चाहता है,
किसी काम का हो या ना, बट जाना चाहता है, बस इतना ही इसका क्वालिफिकेशन है। इसलिए डबल पैसा लेके भी ले जाऊंगा, है ना। ये क्वालिफिकेशन अगर किसी के अंदर है, एक चीज़ भले कितना भी डिसक्वालिफिकेशन, एक चीज़ होगी नहीं, जैसा भी हूँ लेकिन आपका हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वैष्णव हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो वील स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इसलिए सुंदर ग्वाल प्रभु जी की जाए। तो बहुत ही यूनिक ग्लोरिफिकेशन था एक्चुअली, प्रभु जी ने हमारे से बहुत कनेक्ट कर दिया कि देखो हमारा और नितिन प्रभु का वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो महा महा पतित पावन है, हम लोग महा महा पतित ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए हमारा तो एक ही हो गया, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद बलराम। तो विशेष रूप से हमारा स्वभाव बताना कलयुग का, और फिर कस्टमर की रिपेयर मतलब बताना कि कितनी कठिन है, उसके बाद फिर वो कृपा का स्वभाव पता लगता है। तो वो प्रभु जी ने बड़े यूनिक स्टाइल में आज नित्यानंद प्रभु की कृपा को बताया। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी, सो लेट्स पे आवर ग्रेटिट्यूड टू प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर बाल प्रभु जी की।